ये सुनने के बाद आप लोगों को पता चलेगा किस तरीके का एल्बम है। हम ये बता सकते हैं कि हमने कोशिश की है पर अच्छे गजलों को चुना है, उनको सुरों में पूरा खोया है और रुचि ने अपने आरती के साथों को सुबह की शादी बता दिया और बाकी सुनने के बाद आपको पता चलेगा क्या है। आपकी तरफ से क्या कुछ एफर्ट डाला है आपने? बहुत ही अच्छी कंपोजिशन है और बहुत ही खूबसूरत लिखा है मदन पाल अमृतसरी जी ने, मेरे बड़े पुराने मित्र हैं और मैं इसमें गेस्ट आर्टिस्ट का रोल करने अदा कर रहा हूँ। मेरी दो गज़लें हैं लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे इस लायक समझा। इससे पहले इनका एल्बम उस्ताद गुलाम अली खान साहब के साथ में भी रिलीज़ हो चुका है तो ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी और इसका बहुत ही खूबसूरत वीडियो आप देख रहे हैं। हमारे डायरेक्टर साहब हैं सुमित जी जो रितु जी के बेटर हाफ हैं, इस वक्त मैं कबाब में हड्डी हूँ वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने बड़ा ही खूबसूरत वीडियो किया है और आज के दौर में क्योंकि गज़लों को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जा रहा है तो जो भी है वो पॉप ज़्यादा चल रहा है या फिल्म म्यूज़िक जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है तो ऐसे दौर में गज़लों के लिए कुछ करना तो हम लोग हमेशा उसके लिए तैयार हैं। थोड़ा डिफिकल्ट भी है प्रमोशंस की बात है, प्रमोट नहीं हो रहे तो कैसे प्रमोट करेंगे, कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे आप लोग अपनी गज़लें, क्योंकि आपने हमें खुद ही जवाब दे दिया है। देखिए हम आपको इंटरव्यू इसीलिए दे रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये इंटरव्यू दिखाएं और लोगों को ये इस बात का अवेयरनेस हो कि अच्छा ऐसा गज़लों का कोई एल्बम रिलीज़ हुआ है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चलता एल्बम आते हैं रिलीज होते हैं और क्योंकि पब्लिसिटी नहीं होती, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि जिसमें गज़लें बजाई जाएं। एक टाइम था जब फिल्मी गानों के साथ में गज़लें भी बजाई जाती थी, जब हमारा कोई एल्बम आता था तो वो दिलेर मंदी बाजी का उनका पॉप बजता था और उसके साथ हमारी गज़लें भी बजती थी तो सब म्यूज़िक एक साथ बजता था, लेकिन अब चैनल पर जो है वो एक कैटेगरिकली उसको बिल्कुल हटा ही दिया गया है कि गज़ल को जो है बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं। हर दौर वापस आ रहा है देखा जाए तो, अब सिंगल्स भी आ रही हैं जो पहले काफ़ी होती थी, तो क्या लगता है आपको कि इस टाइम के बाद फिर गज़ल का टाइम आने वाला जी आपके मुँह में घी शक्कर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। हर आर्टिस्ट हर कलाकार, देखिए गज़ल क्या है, ये हमारा कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है ना। आप अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं, चार बोतल वोडका सिखाना चाहते हैं या आप उसको मैं क्या कहूँ उससे भी अश्लील अश्लील गाने। रुक सर, जैसे एक महीने में 10 गाने ये वोडका से रिलेटेड आएंगे तो अपने प्रमोट होंगे तो आप क्यों नहीं 10 एल्बम अपने रिलीज करते हैं हर महीने तो वो ऑटोमेटिकली वो प्रमोट। देखिए उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए प्रमोटर्स चाहिए, उसके लिए कंपनी का बैकअप चाहिए। अब क्या है कि यहाँ तो एक भेड़ चाल है कि जिस तरह का संगीत चला वो चला जी, और एक ये भी है ना वोडका के लिए आपको फाइनेंसिस एकदम खड़े खड़े मिल जाते हैं, गजल में कोई पैसे आने के लिए तैयार नहीं होता। हम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि कभी गजल में भी वोडका का शब्द आए तो लोग उसे भी एक्सेप्ट करें? नहीं नहीं, गजल में तो शराब पहले ही आती है, शराब पहले ही आती है, शराब और शराब से गजल है बिल्कुल।